लिसनिंग की तरफ। तो डॉक्टर उस्मान हैदर, आपको लिसनिंग के बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर। जी डॉक्टर आतिफ, तो जैसे रीडिंग के पार्ट ए बी सी थे, सेम हमारे पास लिसनिंग के पार्ट ए है, पार्ट बी है एंड पार्ट सी है। अब एग्जाम हमारा जो स्टार्ट होता है, हम सबसे पहले एग्जाम में हमारी लिसनिंग होती है, देन हमारी रीडिंग होती है। तो हमने पहले रीडिंग करा दिया, तो अब हमारे पास जो लिसनिंग का पार्ट ए है, इसमें हमारे पास 24 क्वेश्चन होते हैं, दो सब पार्ट होते हैं, दो हमारे पास पैराग्राफ दिए गए होते हैं। लिसनिंग का जो पार्ट बी है उसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं, और लिसनिंग का जो पार्ट सी है इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस के दो सब पार्ट होते हैं। तो हमारे पास 24 हो गए, सॉरी 6 हो गए और 12 हो गए। ये हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी होते हैं। ये इसमें कोई सेपरेट टाइम नहीं होता, जिस तरह उसमें रीडिंग में हमने 15 मिनट और 45 मिनट की बात की थी, इसमें कोई सेपरेट टाइम नहीं होता। इसमें हम स्टार्ट करते हैं, आपको पहले वो एक आपको देते हैं हेडफोन देते हैं, आप हेडफोन लगाते हो, चेक करते हो आवाज आ रही है ठीक, उसके बाद बस स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई ब्रेक नहीं आने, कोई कुछ नहीं आना, आप स्टार्ट करते हो। आपको दरमियान में एक स्पेसिफिक टाइम देता है, वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे होता है। अब हम आपको एक लिसनिंग का एक सैंपल टेस्ट दिखा रहे हैं कि जो आपने एग्जाम में आपका जो लिसनिंग का सैंपल टेस्ट आता है वो किस तरह का होता है, जिसपे आपने सारे लिसनिंग के पॉइंट्स लिखने होते हैं। क्योंकि आपको एक ऑडियो चलती है जो आप सुन रहे हैं, उधर से आपने सारे पॉइंट्स देख के आंसर देने हैं। अब इस तरीके से आपका लिसनिंग का होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है। अब जैसे ही आपकी ऑडियो स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं आपको, पर्सनल इंग्लिश टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट, दिस टेस्ट है, थ्री पार्ट्स, ये ब्ला 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 सारा। अब आपके पास ये जो टाइम होता है ना, आपने इस टाइम को इधर नहीं वेस्ट करना कि उसके ये सुनते रहें कि वो क्या बोल रहा है और यही सारी बातें पढ़ते रहें, आपने ये नहीं करना। आपने सबसे पहले अपना पार्ट ए देखना है। अब पार्ट ए जो होता है लिसनिंग का, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसका पार्ट ए जो है इसके दो पार्ट्स हैं, 1 एंड 2, और इन दोनों में 12 तो ये दोनों में 24 एमसीक्यूज है। अब अगर आपने इन 24 एमसीक्यूज में, जिस तरह रीडिंग में बताया था कि पहले 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीका अगर आपने इन 24 एमसीक्यू में मैक्सिमम हम जो देते हैं वो 2 से 3 की है, आपके 21, 22, 23, 24 ठीक होने चाहिए। क्योंकि लिसनिंग का जो आगे बी और सी पार्ट में आप देखेंगे वो काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। सी पार्ट तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है आजकल, वैसे उन्होंने सी पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट किया हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आपका इस तरह एक्सट्रैक्ट 1 लिखा होता है, क्वेश्चन 1 to 12 इस तरह। अब आपने क्वेश्चन 1 to 12 में ना आपने ये फिल इन ब्लैंक्स करनी है, आपने लिखना है, और कहाँ से लिखना है, जो आप सुन रहे हैं वो लिखना है। अब इन 12 लाइनों को, मतलब इन 12 जो क्वेश्चंस हैं, इनकी ये सारे फिल इन ब्लैंक्स को पढ़ने के लिए आपके पास जो टाइम होता है एग्जाम में वो होते हैं सिर्फ 30 सेकेंड। अब आपने क्या करना है कि जो शुरू में ये वो सारा बोलता है ना, ये सारा जैसे ही आपका स्टार्ट हो, आपने ये वाला टाइम इन 30 सेकेंड्स के साथ ऐड करना है। जैसे ही आपका स्टार्ट हो, आपने पढ़ना शुरू कर देना, पेशेंट बलिस्टा गॉर्डन वर्क्स एज गेस्ट एज ओकेजनल गेस्ट, तो आपने वो टाइम 15-20 सेकेंड ऐड करके अगर आप वो थोड़ा सा तरीका कर ले तो आपके पास ऑलमोस्ट 50 सेकेंड हो जाते हैं इस सारे को पढ़ने के लिए। अब आपने इस 50 सेकेंड में इसको पढ़ना क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। अब इसकी स्ट्रेटजी जो होती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज है सबकी, हर अकेडमी की, हर पर्सन की। जो हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे थी और जिससे हम पास हुए हैं, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम सबसे पहले, ये मैं एक दफा इसको जूम आउट करके आपको दिखा दूं, ये पेज है आपके पास, ठीक है। अब इस पेज पे आपके ये 12 आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। अब इस पे आप सबसे पहले देखेंगे ये पेशेंट है, मेडिकल हिस्ट्री, स्क्रीन को बड़ा करें, इसको फुल करें, जूम करें जी। ये देखेंगे आपके पास पेशेंट है, मेडिकल हिस्ट्री है, देन बेबीज के फादर के बारे में बात हुई है, देन पॉइंट्स रेस्ड, पॉइंट्स क्या रेस्ड। अब आपने सबसे पहले इनको, इन पे निशान लगा लेना है कि इनके बारे में बात हो रही है, पेशेंट के बारे में बात हो रही है, मेडिकल हिस्ट्री। अब पेशेंट के बारे में उसने सिर्फ एक बात पूछी है कि वो वर्स काम क्या करता है, क्योंकि उसने काम आगे बताया नहीं, यहाँ पे आपने काम लिखा है, तो आप वर्स पे लगा लें निशान। उसके ओकेजनल क्या है आप इस पे निशान लगा लें, एलर्जिक किस चीज से है वो निशान लगा लें, डाइट बतानी है। अब स्मोकर नॉन स्मोकर इसका कोई एमसीक्यू नहीं मैटर करता, फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले क्या हुआ है वो लिखना है आपने,
फर्स्ट बेबी प्रेजेंटेड किस तरीके से हुआ है, इंटरवेंशन कौन सी, क्योंकि वो ऊपर लिखने हैं आपने, प्रॉब्लम उसको कौन सी हुई, ये हुआ है, फैमिली हिस्ट्री किसकी पूछी है बेबी के फादर की, ठीक है, प्रीवियस मैरिज में उसका जो चाइल्ड फ्रॉम प्रीवियस मैरिज है वो आपने इस पर निशान लगा लें। अब देखिए पॉइंट्स क्या है, कीन एंड एब्सेंसेस नहीं, आपने इस पर कोई निशान लगाना क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक है ही कोई नहीं, पॉसिबिलिटी किसकी पूछ रहा है ये, और देन प्रोवाइडेड हर विद अ लीफलेट ऑन प्रिपेयरिंग किस चीज का लीफलेट आपने प्रोवाइड किया, तो ये अब आपने इन पॉइंट्स पे लिखना है। तो अब आपने इन पे निशान लगा लिए, ठीक है, अब इन वो 30, 40, 50 सेकंड में आपने इन पर वो सारे निशान लगा लिए, अब आपको पता है, आपने अपने माइंड को पहले ही एक डायरेक्शन दे दिया है कि मैंने इस चीज को सुन के फौरन लिखना है, जैसे ही आपने वो 50 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगी, एक डॉक्टर और एक पेशेंट की बात स्टार्ट हो रही है, आपने वो सुननी है, आपने लिखते जाना है, लेट्स सपोज वो फार्मा, एक ऑडियो होगी वो आपको वो उनकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो डिस्कशन स्टार्ट होगी तो उस डिस्क आपने अपने माइंड को पहले ही वो बना लिया हुआ प्रीऑक्यूपाइड है कि ये वर्ड है, इनकी डिस्कशन के दौरान जो मैं सुन रहा हूँ मैंने ये आंसर ढूंढने हैं। पेशेंट की जब बात होगी तो पेशेंट वर्क एज वो कैसे काम कर रहा है तो आपको पहले ही पता है कि मैंने क्या ढूंढना है, आपने निशान लगाया हुआ है। मेडिकल हिस्ट्री में आपने वो देखा एलर्जिक टू, आपको पहले ही पता है यार एलर्जिक टू आपने पहले ही आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है कि यार जहाँ भी एलर्जी की बात हुई किस से उसको एलर्जी है वो मैंने लिखना है। तो जब वो ऑडियो आपको सुनाई जा रही होगी तो आपने उनकी डिस्कशन से अपने जो वर्ड हैं जो आपने हाईलाइट किए हुए हैं, जो अंडरलाइन किए हुए हैं, आपने उसी वक्त डिस्कशन के दौरान निकाल लेने हैं और वो इधर लिख देने हैं। इसमें ये भी है कि आप अगर आप डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं और आप उधर डीएम लिखने बाद में वो लेड पेंसिल से मिटा के डायबिटीज मेलाइटिस लिख लें तो उस वक्त आपने उसके साथ चलना होता है। जी डॉक्टर उस्मान, तो जैसे डॉक्टर आसिफ बता रहे थे ये आपके 12 आपने इस तरीके सॉल्व कर, ठीक है, अब इसमें अगर आप पहले ही अपने माइंड को ट्रेन करके बैठे हैं कि मैंने ये पॉइंट ये बात लिखनी है तो ही आप इसको पकड़ सकते हैं। अब अगर बिल्कुल आप बैठे रहे उसके इंतजार में और सारा वो आप इकट्ठा लिखेंगे तो उसकी आपको कोई समझ नहीं आएगी, मतलब वो बोल भी रहा है, आप वो सुन भी रहे हो, उसको समझ भी रहे हो, उससे इंटरप्रेट करके लिख भी रहे हो, तो नहीं होगा। आप पहले ही उन पॉइंट्स को निकाल के रखें ताकि लिखें आप, पार्ट ए की ये स्ट्रेटजी होती है। अब इसका जो पार्ट बी है उसमें इसमें स्पेलिंग का ही होता है कि स्पेलिंग आपने कोशिश करनी होती सही हो, लेकिन जैसे भी आप स्पेलिंग लिखें उनकी फोनिक जो वॉइस है वो उस तरह बन रही हो तो वो चल जाते हैं। अगर आपकी फोनिक जो टोन है वो उस वो एक्चुअल वर्ड की तरह हो तो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। लेकिन अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आपने वर्ड की जो फोनिक टोन है जो वॉइस है वो वही बन रही हो, ये आपने तो रख करना है। और अगर आप डायबिटीज मेलाइटिस है एब्रीवेशन लिखने उस वक्त एब्रीवेशन लिख के आगे चले जाएं, बाद में आपको 2 मिनट्स देता है एंड पे जाके, इसके एंड पे जाके आपको 2 मिनट्स मिलते हैं तो वो चीजें आप बाद में उन एब्रीवेशन को सही करते चले। जी डॉक्टर उस्मान, जैसे डॉक्टर बता रहे थे सेम ही आपने सेम कॉन्सेप्ट्स आपने अप्लाई करने हैं अगले 12 क्वेश्चंस पे, क्योंकि उसमें आपको एक नई ऑडियो सुनाई जाएगी, एक नया एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जिस पे आपने ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम इस तरीके से, आपके पास पेशेंट है उसके इनिशियल सिम्टम्स की क्वेश्चन है, उसकी डेली लाइफ पे आगे देखें, क्योंकि ये इस तरह नहीं एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके यही पैटर्न होता है, बिल्कुल ऐसे ही सारा आपने करना होता है। अब इसके लिए आपके पास होते हैं 30 सेकंड्स, आपने 30 सेकंड्स में इन सबको सुनना है, 30 सेकंड में आपने इसको पढ़ना है, आपने मार्क कर लेने हैं पॉइंट्स कि अच्छा जी ये बात पूछी गई है। जैसे अब ये हम देखते हैं ना, अब देखें अब इसमें ना पेशेंट की हेडिंग की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पेशेंट के बारे में कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं, कुछ उसने यहाँ से आपसे पूछा ही नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप इस पे किस चीज पे जाएं, आप इस पे जाएं इनिशियल सिम्टम्स पे, क्योंकि इनिशियल सिम्टम्स में देखें उसने कहा हुआ सीवियर लेफ्ट नी पेन इन फिल इन द ब्लैंक एरिया। अब आप देख लें कि लेफ्ट नी पेन की आपने एक बात कर, बैक ऑफ द नी पे क्या है, आप इस पे निशान लगा ले, आप एग्जाम में निशान लगा रहे। मेरा ये होता था कि मैं उसको सर्कल कर लेता था। इसमें देखें एक इम्पोर्टेंट बात है, जब आप इसे निशान लगा रहे होंगे तो आपने देखना है जहाँ नंबर लिखे होते हैं ना वहाँ क्वेश्चन होता है, ठीक है, जहाँ नंबर लिखे हैं वहाँ क्वेश्चन होगा, उसको आपने ध्यान से देख लेना है। और इसमें ये भी है कि जब आप वो ये निशान लगा रहे होते हैं तो आपने ये देखना होता है कि उस
देखिए जो पहला 13 एमसीक्यू है वो कहता है सीवियर लेफ्ट नी पेन इन, इसमें आप माइंड में कि कुछ एरिया की बात हो रही है तो जहां उसे वो पेन होती है तो वो कौन सा एरिया होगा, तो आप जब उसकी ऑडियो सुन रहे होंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो कुछ कुछ वो एरिया बताएगा कि कहाँ पेन होती है। फिर दूसरा है कि वर्सेंट आफ्टर 14 डिवेल्प ऑन बैक ऑफ द नी, तो कुछ चीज डिवेल्प हुई है, तो आपने ये माइंड में रखना, ये थीम है जो आपने याद रखना है, कुछ चीज डिवेल्प हुई है, वो नॉन की बात कर रहा है, वो किसी नेम की बात कर रहा है, वो किसी एडजेक्टिव की बात कर रहा है, वो तो आपने जब वो कर रहे होंगे हाईलाइट कर रहे होंगे तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि जी वो बात करेगा कुछ चीज डेवलपमेंट की बात होगी, तो मैंने ध्यान में रखना है कि वो क्या डेवलप हुआ है, तो इस तरह इसकी स्ट्रेटेजी होती है। और ये भी सेम उसी की तरह है, तो पार्ट ए के दो हिस्से हैं, पहले 12 क्वेश्चन होते हैं और बाद में 12 क्वेश्चन होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। जी डॉक्टर उस्मान हैदर। जी डॉक्टर आतिफ, अगर आप कोई ऐड करना चाहे तो पार्ट ए की, क्योंकि मैंने दूसरे एक्सट्रैक्ट में इतना एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसमें आपकी सेम स्ट्रेटजी है, आपने पहले दोनों एक्सट्रैक्ट पे सेम स्ट्रेटजी लगानी है, आपने उस जो आपको टाइम दिया गया है 30 सेकंड्स या 50 सेकंड्स दिए गए हैं, तो आपने उन 30 सेकंड्स में इनको पढ़ना है, आप उनको सर्कल करें, आप उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उन्हीं टाइम के अंदर उस टाइम के अंदर इस सारे को एक दफा देख लेना, जैसे अब हम यहाँ देखते हैं ना, अब देखें इनिशियल ट्रीटमेंट में उसने क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रेस्ट, आप इस पे किसी चीज पे कोई पॉइंट ना लगाएं, क्यों, क्योंकि इधर से उसने पूछा नहीं, उसने किस पूछा है कि पेन के लिए क्या लगाएं, आप पेन पे निशान लगा लें। नीचे आप देखें जीपी सस्पेक्टेड, आप इधर निशान लगा लें जीपी ने क्या सस्पेक्ट किया, नीचे वाली दोनों बातें आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इधर से उसने कुछ पूछा ही नहीं, तो आप इस तरीके से 24 पहले ही अपने माइंड में 12 इसके भी एक डायरेक्शन दिए बैठे हैं कि मैंने इस पूरे पैराग्राफ में से क्या बात उठानी है, ठीक है। इनिशियल ट्रीटमेंट में से आपने क्या बात गौर से सुननी है जो पेन के बारे में, ताकि आप यहाँ पे वो लिखें, डेवलपमेंट्स इन कंडीशन में आपने क्या बात सुननी है, जीपी ने क्या सस्पेक्ट किया, नीचे वाली बातें आपके लिए मैटर नहीं कर रही, अभी आपने सुननी है ऑब्वियसली टाइम सुननी है, लेकिन वो मैटर नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन है ही नहीं। आगे आप करंट कंडीशन में जाएंगे तो मस्कुलर प्रॉब्लम डायग्नोज्ड बाय, अब आपको पता हो कि किस टेस्ट से उसने डायग्नोज करवाया वो वहां पे बताएगा, जब आप वो एक ऑडियो चल रही होगी जो सुन रहे होंगे, ट्रीटमेंट किस पे परफॉर्म कर रहा था आपने वो लिखना है, एक्सपीरियंसिंग इंसोम्निया, इंसोम्निया के साथ और क्या होता है, जैसे वो इंसोम्निया का वर्ड आया आपका माइंड फॉरन क्लिक करके आगे वाला देखना है, आगे वाला लिखना है, इसमें आपने ये देखना कि यार उसे वो एक्सपीरियंस कर रहा है कोई प्रॉब्लम, यानी एक चीज उसने बता दी हुई है तो आपने माइंड में ये बैठा लेना है कि यार वो कुछ दूसरी चीज, एक तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है एक्सपीरियंस इंसोम्निया हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है, तो जब आप ऑडियो सुन रहे होंगे तो आपने फोकस करना है कि उसे और इंसोम्निया के साथ क्या होता था, तो ये स्ट्रेटेजी होती है कि आपने जो अंडरलाइन वर्ड किए उसका थीम समझने की, इसके साथ क्या होगा, कोई चीज डेवलप हो रही है या कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जब वो बात कर रहा होगा तो आपने फौरन वो चीज पिक कर लेनी है, यार ये बड़ी बात है। जी डॉक्टर उस्मान हैदर, माशाल्लाह, बताएं। तो अब हम बताएंगे कि पार्ट ए में जैसे आपको बता दिया दो एक्सट्रैक्ट थे, दोनों में 12 एमसीक्यूज थे, टोटल आपके हो गए 24। अब अगर आप इन 24 में से कोई इशू कर गए हैं ना तो आगे बहुत मुश्किल हो जाता है पास होना, तो इसमें से हम ये कहते हैं कि मिनिमम 20 तो आए डेफिनेटली, अगर आप 20 से नीचे जा रहे हैं ना तो आगे आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है आगे दोनों वाले में, जो इससे काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें तो आपने बस सुनना लिखना है, अब आगे वाले में आपने एक पॉइंट को सुनना होता है, उसको समझना होता है और उसको देन देखना होता है। अब हम आगे बात करेंगे पार्ट बी की। अब पार्ट बी में जिस तरह शुरू में बताया था उसके 6 एमसीक्यू हैं आपके। अब इसमें ये क्या होता है पार्ट बी के, अब मैं एक एमसीक्यू में आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि 6 के 6 सेम होते हैं, ठीक है। अब पार्ट बी में आपके पास हर एक ऑडियो, इसमें भी आपने एक छोटी सी ऑडियो सुननी होती है, दो लोग बात कर रहे होते हैं, आप एक ऑडियो सुनते हो और आपने उस ऑडियो में इसी चीज के बारे में आपको बताता है, जैसे आप देखेंगे ना 25 यू हेयर अ डाइटिशियन टॉकिंग टू अ पेशेंट व्हाट इज शी डूइंग, ये क्वेश्चन है। अब नीचे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ने के लिए ना आपको पहले टाइम दिया जाता है जो होते हैं 10 to 15 सेकेंड। इन 10 से 15 सेकेंड में आपने ये पढ़ लेना है और ये तीनों पॉइंट्स, आपने क्या बताया कि
जी ये जो पार्ट बी है, जैसे मैंने बताया इसके 6 MCQ हैं आपके, ठीक है। हर MCQ से पहले आपको एक छोटी सी ऑडियो क्लिप सुनाया जाता है और फिर आपको आपने लगाना होता है आपका आंसर कौन सा है। अब हर MCQ पे एक डिफरेंट ऑडियो क्लिप होती है, ठीक है। ये सेपरेट सेपरेट ऑडियो क्लिप है, 6 ऑडियो क्लिप्स आप सुनेंगे और 6 आपने क्वेश्चन के आंसर लगाने। लेट्स सपोज बी है तो आप बी फिल कर देंगे सर्कल। अब इसमें आपने स्ट्रेटजी क्या अपनानी होती है कि आपके पहले हर ऑडियो क्लिप चलने से पहले ना आपके पास टाइम होता है 15 सेकंड होते हैं ऑलमोस्ट, 10 से 15। अब आपने उन 10 से 15 सेकंड में करना क्या है, आपने उन 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेना है और उसके तीनों ए बी एंड सी आंसर्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो बोलेगा, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप वो बात सुन रहे हैं, आप वो बात समझ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अब इनमें क्या होता है कि वो बेसिकली जो वो पूरी एक कन्वर्सेशन होती है उसमें वो तीनों पॉइंट्स ही डिस्कस हो रहे होते हैं, ये नहीं कि दो बातें हो ही नहीं हो रही होती, वो तीनों पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन दो पॉइंट वो और तरीके से डिस्कस कर रहा होता है या एक्सप्लेन और तरीके से हुए होते हैं। तो आपने उन दोनों को नहीं लगाना होता, जो प्रॉपर आंसर होता है आपने वो चूज करना होता है। जैसे लेट्स सपोज ऑप्शन सी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेसिंग द नीड फॉर अ पॉजिटिव स्ट्रेटजी एम्ड एट वेट लॉस। अब वहां पे वो हो सकता है कि वेट लॉस की बात कर ही नहीं रहा, किसी और चीज की स्ट्रेटजी की बात कर रहा, तो हम स्ट्रेटजी का वर्ड सुनते हैं और हम सी नहीं लगा देना, ठीक है। आपने देखना है कि वाकया ही ये बात कर रहा है वो, आपने उसके उस पॉइंट को देखना है, उसको उस थीम को देखना है और आपने देखना है कि वो किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। दूसरा बी पढ़ते हैं हम डिस्क्राइबिंग द लिंक बिटवीन ओबेसिटी एंड अदर डिजीजेस। अब इसमें वो लिंक की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ओबेसिटी का वर्ड वो यूज करेगा अंदर, आपने बस ओबेसिटी सुन के बी नहीं लगा देना, नहीं आपने देखना है कि वाकया ही वो ओबेसिटी और बाकी डिजीजेस के लिंक की बात कर रहा है। हो सकता है वो ओबेसिटी की ट्रीटमेंट की बात कर रहा हो सकता है वो ओबेसिटी के इफेक्ट्स की बात कर रहा हो सकता है वो ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हो, ठीक है ना। तो हमने उसको प्रॉपर सुनना होता है और समझना होता है पूरे उस एक, तो वो तीनों पॉइंट्स की बात कर रहा होता है, आपने उन तीनों पॉइंट्स को देख के फिर ही ऑप्शन चूज करना होता है। सेम अब आपने पहला कर लिया, अब हम आगे जाएंगे। अब 26 पे भी इस तरीके आपको पहले 15 सेकंड का डिले आएगा उसमें, अब आपने 15 सेकंड में सवाल पढ़ लेना है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या है, कि हॉस्पिटल कमेटी है डिस्कस कर रही है प्रॉब्लम्स, एक्सरे डिपार्टमेंट प्रॉब्लम्स की कॉज पूछ रही है, डिले किस चीज का, रिप्लेसमेंट मशीन बाएंगे रिप्लेसमेंट मशीन, ये आपका पहला ऑप्शन है। अप्रूवल फॉर अ रिपेयर, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर मशीन, अब जब आप ये पढ़ के ना अब वो ऑडियो क्लिप स्टार्ट करेगा, अब उसमें हॉस्पिटल कमेटी के 2-3 लोग बात कर रहे होंगे, वो तीनों पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अब वो हो सकता है कि अप्रूवल ना ले रहे हो, बस किसी बंदे को बुला रहे हो रिपेयर के लिए, ये बात की गई हो, प्रॉब्लम ना कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर मशीन को खरीदने लगे हो, ये बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपने वो पॉइंट देख के वो लगाना है, क्योंकि वो वर्ड जो है ना, ये हर ऑप्शन में ना 1-2 वर्ड होते हैं, ठीक है, और वो वही वर्ड यूज हो रहे होते हैं। जैसे आप इसमें देखें ना, इसमें वो बाइंग की बात कर रहे हैं, दूसरे में वो रिपेयर की बात कर रहा है, तीसरे में वो एक प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो वो तीनों वर्ड यूज करेगा लेकिन साथ में उनको चेंज कर देगा, उनकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर देगा, तो आपने उस तरीके से लगाना होता है। आते भाई आप इस पे कोई बात करना चाहेंगे पार्ट बी पे? एक मिनट इधर इसे रिमूव ना कीजिएगा, ओहो आपने रिमूव कर दिया ना उसको, एक मिनट इसको 26 को रखिएगा। पहली बात ये है कि आपने उस 15 सेकंड मिलेंगे जिसमें वो आपको पता चल जाएगा, आपने इसको रीड करना होता है, इस 26 क्वेश्चन को रीड करना है, ये 15 सेकंड आपके पास है, तो आपने रीड कर लिया कि भाई हॉस्पिटल कमेटी डिस्कस कर रही है प्रॉब्लम इन एक्सरे डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये डिस्कशन हो रही है, फिर आपने द प्रॉब्लम आर ड्यू टू अ डिले, तो ये डिले आपने ये क्वेश्चन समझ लेना है, अपने माइंड में वो क्वेश्चन लाना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इसका मैंने आंसर ढूंढना है, ठीक है। फिर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये तीन ऑप्शन पढ़ लिए, लेकिन आपके ध्यान में एक ही है, द प्रॉब्लम आर ड्यू टू टू आर डिले, द प्रॉब्लम आर ड्यू टू ड्यू टू डिले, ये आपके माइंड में क्वेश्चन वो इंट्रूसिव थॉट्स नहीं होती है, उस वक्त वो हिट करता रहना चाहिए जब आप वो सुन रहे हो। आपने ऑप्शन भी पढ़ ली हुई है लेकिन आपके माइंड में वो क्वेश्चन बार बार आपने सोचना है कि वो उसने क्या पूछा हुआ है, तो ऑप्शन भी पढ़ी जा चुकी है लेकिन क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। उसके बाद जब आप 15 सेकंड के बाद आपकी वो ऑडियो आप वो स्टार्ट कर देंगे, तो जब वो ऑडियो स्टार्ट करेंगे आप ऑडियो उनकी
सेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हॉस्पिटल कमेटी डिस्कस कर रही होगी प्रॉब्लम इन एक्सरे डिपार्टमेंट, तो आपने फिर जो है उनकी डिस्कशन से द प्रॉब्लम आर ड्यू टू अ डिले इन, इसका जो आंसर है वो इन थ्री ऑप्शन से निकाल लेना है, और बाकी आपको डॉक्टर उस्मान ने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है डॉक्टर उस्मान जी, डॉक्टर राजन, तो देन आप ये जो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है ये इन पे आपने सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है हमने, अब ठीक है ये अब आपके छह क्वेश्चंस हो गए, ये आपका पार्ट बी हो गया। अब इसमें ये बात देख लें कि इसमें सेपरेट ऑडियो क्लिप्स होंगे छह के छह क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हर क्वेश्चन से पहले आपके लिए पास एक 15 सेकंड होंगे, उन 15 सेकंड में आपने वो क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर देखने हैं, देन वेट करना है, वो ऑडियो क्लिप चलेगी, आपने उसको समझना है, प्रॉपर अपना आंसर लगाना है। अब ये छह हो गए, अब आगे आप ये जो है ना अभी तक, अब देखें पार्ट ए बताया था मैंने, पार्ट ए में मैंने बताया 24 है, पार्ट बी मैंने आपको बताया पार्ट बी में 6 थे, 24 और 6 कितने हो गए 30, इन 30 में आपने पास होना है, आपका ये टारगेट होना चाहिए। तो जब मैं गया था एग्जाम देने में ये टारगेट रख के गया था इन 30 में मेरे मिनिमम 28 होने चाहिए, क्योंकि पार्ट सी बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको मैं बताता हूँ क्यों डिफिकल्ट है और आप खुद भी देखेंगे किस तरीके से डिफिकल्ट है। तो जैसे जैसे पार्ट ए है उसमें जो आप इंग्लिश का टेस्ट होता है बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई दे रहा है और बिल्कुल इजी आप समझ रहे हैं, जो पार्ट बी है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है इंग्लिश, पार्ट सी में बिल्कुल काफी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। और पार्ट सी क्योंकि कंटिन्यूस होता है तो वो और इशू आ जाता है, तो इसमें आपका ये टारगेट होना चाहिए कि पार्ट ए और पार्ट बी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी अच्छा तैयार करके नहीं जाएंगे और आप इस बात पे जाएंगे कि सारे पार्ट एक जैसे हो जाए तो पार्ट सी आपको बिल्कुल एग्जाम में समझ नहीं आ रहा होता। अब हम बात करेंगे पार्ट सी पे। अब पार्ट सी के जिस तरह शुरू में बताया था पार्ट सी के दो एक्सट्रैक्ट दो पार्ट है, पार्ट सी में 6 क्वेश्चन है और देन फिर 6 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको मैं पहले ओवरव्यू देता है कि होता क्या है। अब इसमें आपका वो पार्ट बी आपका खत्म हुआ, आगे वो कहता है कि अब आपका पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है और आपको देता है 90 सेकंड्स। 90 सेकंड्स में वो कहता है कि आप रीड करें क्वेश्चन 31 to 36। 30 हम पीछे करके आए हैं, 24 पार्ट ए के थे और 6 थे पार्ट बी के। अब हम 31 to 36 में ना आपने 90 सेकंड्स में 6 के 6 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनके ऑप्शंस पढ़ने हैं और उन पर निशान लगाना है कि अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है। जैसे लेट्स सपोज अब हम ये करते हैं पार्ट, इसका पार्ट करते हैं 31 वो कह रहा है व्हेन क्रिस फर्स्ट मेट द पेशेंट ही फाउंड आउट। अब अपने फर्स्ट पे निशान लगा लिया, अच्छा इस पे कुछ पूछ रहा है। असेसमेंट का अगला क्वेश्चन है, आपने इसमें निशान लगा लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट पे एक क्वेश्चन है, इस पे निशान लगा लिया। टैपिंग पे एक क्वेश्चन है, इस पे निशान लगा लिया। मेन कंसर्न क्या था, जिम वर्क पे, इस पे निशान लगा लिया। रनअप टेक्निक क्यों चेंज की थी, इस पे निशान लगा लिया। ये आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। अब आप देख लो कि एग्जाम में भी ऐसे ही करना, मैं बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे ही करता था, इस तरीके से मैंने सर्कल किए हुए थे इनको। अब इसमें आपने इस तरीके से सर्कल क्यों करने हैं, क्योंकि इसमें जो 90 सेकंड्स के बाद ऑडियो क्लिप चलेगी वो कंटिन्यूस चलेगी, उसमें जिस तरह पिछले में ब्रेक आ रहे थे कोई ब्रेक नहीं होगा, दो लोग बात करेंगे ऑडियो क्लिप चलेगी और वो एक उनसे सवाल पूछेगा, दूसरा उसके आंसर्स देगा और इस तरीके से वो होने हैं। तो इसमें अगर आपको पहले ही पता होगा ना कि मैंने किस तरीके से इसको टैकल करना है तो ही आप टैकल करेंगे। आपको पता होगा कि शुरू में वो किस चीज की बात करेंगे कि वो कैसे मिला था, असेसमेंट की बात होगी, फर्स्ट स्टेज की बात होगी, टैपिंग की बात होगी, जिम वर्क की बात होगी, टैपिंग की बात होगी, फर्स्ट स्टेज की बात होगी। इस तरीके से आपने उसकी जो उसकी ऑडियो क्लिप थी ना आपने उसको डिवाइड कर दिया, आपने खुद ही उसको 6 पॉइंट में डिवाइड कर लेना पहले ही। उसके बाद आपने ये अब 6 क्वेश्चन आपने 6 लाइंस पढ़नी है मैक्सिमम, ये आप 10-12 सेकंड में पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप इनके आंसर्स पढ़ते हैं, फिर आप आंसर्स पढ़ के अब सेम अब जिस तरह पहले पार्ट बी में स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी उसी तरीके से आपने वो सुननी है और अप्लाई करना है किस चीज की बात की गई थी। इस तरीके से आप ये पार्ट सी का पार्ट ए करेंगे, 6 क्वेश्चंस पहले करेंगे। अब आपके पास पार्ट सी का एक्सट्रैक्ट 2 होगा। अब सेम इस तरीके से आपके पास 90 सेकंड्स इसमें भी दिए जाएंगे, 90 सेकंड दोनों में दिए जाते हैं। फिर आपने 6 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं और उन 6 पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है और फिर आपने ऑडियो क्लिप उन 6 पॉइंट्स की सुननी है और उन पे डिस्कस करना है कि कौन सा आंसर है कौन सा आंसर नहीं है और उसको जिस तरह
फिल करते जाना है। तो ये अब ये काफी डिफिकल्ट वर्क है, क्यों? एक तो इसमें ये है कि आपने कंटिन्यूअस सुनना है, ठीक है, हर एक पैराग्राफ के बाद। और दूसरा इसमें यह है कि अगर आपने इसमें एक क्वेश्चन मिस होता है ना तो गए, तो अगर आपका एक क्वेश्चन मिस हो रहा है ना तो आपने ये नहीं कि उसी क्वेश्चन को सोचते रहना है कि अच्छा इसका क्या बन रहा था, उसने ये भी बोला है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस बोल रहा है। अगर आपने इसी पे फंसे रहे ना तो वो अगला बोल के आगे चला जाएगा, अगला बोल के आगे चला जाएगा। तो अगर इसमें आपको कोई मिस हो रहा है उसको छोड़ो, उसके अगले क्वेश्चन पे आओ, तो आप अगले क्वेश्चन पे किस तरीके से आएंगे, आपको पहले ही हाईलाइट किया होगा कि अगले क्वेश्चन में उसने ट्रीटमेंट की बात करनी है, इसमें उसने असेसमेंट की बात की है, मुझसे नहीं पकड़ा गया, ठीक है मैं ट्रीटमेंट पे जाऊं। अगले में उसने टैपिंग की बात करनी है, उससे अगले में उसने रन अप टेक्निक की बात करनी है, तो इसको आपने इस तरीके से करना होता है। इसको डॉक्टर आप इसमें ऐड करना चाहेंगे अपना? आपने इसमें मूव कर दिया, आपने जो हाईलाइट किया था बहुत अच्छा किया हुआ था। अच्छा इसमें डॉक्टर एक मिनट में लेकर देता हूं, ये देखिए अब आपके पास एक्सट्रैक्ट वन है, आपके पास 90 सेकंड्स हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपके पास 90 सेकंड्स हैं। अब आपने 90 सेकंड में फर्स्ट से पहले क्या किया, आपने 31 टू 36 क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। अब पहला क्वेश्चन पे आपको ये है कि उसने पहले फाउंड आउट क्या किया, ही फाउंड आउट, आपने इस पे निशान लगा दिया। अगला क्या है, असेसमेंट पे क्वेश्चन था, आपने उस पे निशान लगा दिया। अगला फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट पे था, आपने उस पे निशान लगा दिया। अगला टैपिंग के बारे में कोई बात की गई थी, आपने उस पे निशान लगा लिया। जिम वर्क पे पेशेंट ने बात की थी, उस पे निशान लगा लिया। रन अप टेक्निक पे बात की थी, आपने उस पे निशान लगा लिया। अब आप ये काम करने के बाद आप फिर ऊपर जाए, आपने पढ़ने आंसर पढ़ने लग गए, आपने आंसर पे जो मेन मेन आपको पॉइंट लगे आपने उन पे निशान लगा दिया, जो मेन आपको हर आंसर में एक पॉइंट लग रहा है आपने उसमें निशान लगा लिया। इसके बाद आपने ऑडियो क्लिप सुननी है। जी डॉक्टर आतिफ आप बताएं। आप ये डॉक्टर उस्मान हैदर ने बहुत अच्छी टेक्निक बताई है पार्ट सी करने के लिए। उन्होंने बताया कि आपने जो 90 सेकंड ये जो पार्ट सी है इसके दो पार्ट हैं, 6 एमसीक्यूज हैं, और वो 6 एमसीक्यू करने से पहले वो आपको 90 सेकंड देता है, यानी कि 1.5 मिनट देता है, वो आपके पास टाइम होता है जिसमें आपने दूसरी तरफ आप एमसीक्यू भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि आपने ऑडियो को भी समझना होता है कि वो बात क्या कर रहा है, और फिर आपने क्वेश्चन को भी पढ़ना होता है कि वो पूछ क्या रहा है, फिर आपने ऑप्शन से भी पढ़ना होता है, पढ़नी होती है कि यार ये इसका आंसर क्या बन रहा है। आपने तीन चीजों को मिलाना होता है, एक उसकी ऑडियो को, एक उसके क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को उसके ऑप्शन से, तो इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो इसमें उन्होंने आपको बताया कि आपने उसकी जो 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 90 सेकंड आपको दिए जाते हैं, उससे पहले ही आपने ये इन 6 क्वेश्चन को रीड कर लेना है, क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को रीड करके आपने उनके की वर्ड आइडेंटिफाई करना है, आपने की वर्ड उनको सर्कल कर लें, और अपने दिल में कि वो सोचें कि उसने ये चीज उनको सर्कल कर लिया, तो बाद का आप एटलीस्ट 4 एमसीक्यू आपने पढ़ लेने, 6 पढ़ लें तो ठीक है, नहीं तो 4 आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप उनके ऑप्शन भी पढ़ लें, और फिर जब वो बात कर रहा हो तो आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये नहीं करना कि भाई एक एमसीक्यू मुझे नहीं मिला, आपने सर्कल कर दिया हुआ था ये 32 असेसमेंट, तो असेसमेंट उसने बोली मगर आप उसके ऑप्शन पे गए, आपको समझ नहीं आई, लेकिन वो आगे आ गया उसकी फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट पे आ गया। अब इसका मतलब है कि आपको उस टाइम में वो उसका आंसर नहीं मिला जब उसने असेसमेंट की बात की थी, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आपने जो भी लगाना है ABC लगा के आप तो उसको छोड़ के आ जाए आगे वो ट्रीटमेंट पे आ जाए, ठीक है। ये नहीं करना कि आप उसको उधर सोचते रहे कि मैं सही वाला ढूंढ के जाऊंगा, अगर आप उधर रहे तो ये इतना खतरनाक होगा कि आप फिर मिल नहीं पाएंगे, तो वो आगे मूव कर जाएगा और आप सारा खराब होगा, तो जो आंसर नहीं मिलता उसको उधर आपने करके तो आगे मूव कर जाना है। फिर आपने जी फर्स्ट स्टेज आप 33 क्वेश्चन की बात किया, उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट की बात होगी तो आपने इसका आंसर ढूंढने लग जाना है। फिर जब वो 34 पे अगर टेपिंग की बात हो रही है तो आपने जो भी आंसर लगाना लगा के आप टेपिंग पे आ चुके हैं, तो इस तरह आपने वर्ड पहले आइडेंटिफाई कर लेने, की वर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हाईलाइट करने के बाद फिर उन वर्ड की बेसिस पे आपने मूव करने, पीछे नहीं रहना कि आप आंसर ढूंढते रहे, तो ये स्ट्रेटेजी समझ आया स्टूडेंट इसकी, इसका आंसर करें। रिक्वेस्ट है, आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही, आप जिंदा भी हैं कि नहीं है?
या अल्लाह तो ऊपर तो नहीं जा चुके, जिंदा हैं जी, जिंदा हैं। जी समझ, ठीक है जी, अभी जिंदा हैं। तो डॉक्टर उस्मान हैदर जो आई एम डेड, सही है। चले जो डेड हो चुका उसका जनाजा हम पढ़ा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, वो बाद में पढ़ा देंगे। अच्छा तो इसके इसका समझ आ गया डॉक्टर उस्मान हैदर जी? डॉक्टर आते सब आपने रिव्यू कराना है अगर लिसनिंग का तो। जी मैं करवाता हूँ, बस ये है कि आप इस आप कुछ आज हम फिर रीडिंग और लिसनिंग ही करते हैं, जो इसकी स्पीकिंग है और जो इसकी वो है जो राइटिंग है वो हम कल करेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, ये भी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर उमर, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये वो तो ये चीजें वो थी जो मतलब कि आपको टिप्स एक दफा आने चाहिए, बाकी प्रैक्टिस है। कोई एकेडमी आपकी लिसनिंग खुद से अंदर वो नहीं करेगी, कोई कोई ट्यूटर आपको लिसनिंग नहीं करवा देगा, वो टिप्स यही टिप्स हैं जिनको आपने आपने बस इम्प्लीमेंट करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस 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 और आपका ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, यही टिप्स हैं जो कहते हैं कि रीडिंग हम करवा देंगे, लिसनिंग हम करवा देंगे, इसके लिए कोई पैसा वाया करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको निशान कहाँ लगाने है। तो जैसे आप देखें, मैं दोबारा एक जना एक्सट्रैक्ट आप करवा देता हूँ, देखें आप क्वेश्चन 13-24 एक्सट्रैक्ट 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स में आपने मार्क करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या मार्क करना है, आप सबसे पहले तो ये देखें ना कि स्पेस कहाँ पे दी हुई है, ठीक है? अब स्पेस 13 क्वेश्चन में देखें, स्वेयर लेफ्ट नी पेन पे आप लगा दें, कौन सा एरिया उसने पूछा हुआ एरिया आप इस पे निशान लगा लें। देन बैक ऑफ द नी अगले में देखें आप बैक पे निशान लगा। अब इसमें ये नहीं है कि आपने आपने पूछा हुआ कि पहले निशान लगाऊं बाद में निशान लगाऊं, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। आपने ये देखना है कि उसने क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है अनएबल टू फिल इन द ब्लैंक्स व्हाइल वर्किंग, अब आपने दोनों पे निशान लगा लें। आगे आपने देखें कि नीचे उसने पेन का पूछा हुआ है, आप पेन पे निशान लगा लें। नीचे जीपी ने क्या एस्पेक्ट दिया, आप जीपी पे निशान लगा लें। आगे मस्कुलर प्रॉब्लम का लिखा हुआ है, मस्कुलर पे निशान लगा लें। ट्रीटमेंट किस चीज की है, ट्रीटमेंट पे निशान लगा लें। इंसोमिया के साथ उसको और क्या हुआ था, तो आप इंसोमिया पे निशान लगा लें। उसकी ऑन उसकी अपनी रिसर्च क्या थी उसके बारे में उसने पूछा है, आप उसकी ऑन रिसर्च पे लगा लें। तो ये आपने इस तरीके से करना है, ये नहीं है कि आप आगे निशान लगाएं पीछे लगाएं, इसका कोई डेफिनेट ये नहीं है आंसर कि आप आगे निशान लगाएं या पीछे निशान लगाएं, आपने अपने उस क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। और बाकी स्पेलिंग मैटर नहीं करते इसमें, लिसनिंग में आपने ऑलमोस्ट ट्राई करनी है कि सेम लिखे, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे भी यही लिखा हुआ है। हाँ उसमें यह है कि आप ग्रॉसली वैसी ऐसा नहीं स्पेलिंग लिखने के वर्ड ही कुछ और बन जाए, तो आपकी फोनिक टोन होनी चाहिए। नहीं ये ओईटी और आइल्स में डिफरेंस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। ओईटी थोड़ा सा इजी होता है और आइल्स से थोड़ा सा मुश्किल है। भैया ये ओईटी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू आइल्स, इसलिए कि इसमें आपकी ऑक्यूपेशनल जो आपका आप हेल्थ के रिलेटेड डिस्कशन होगी जो कि आपके लिए समझना आसान होती है, अगर आपको जनरल क्वेश्चन भी है तो मुश्किल हो गया आपके लिए। बाकी इसका लिंक जो है जहाँ पे ये सारे सैंपल टेस्ट और सारे ऑडियो टेस्ट जो आपने सुनने हैं वो लिंक डॉक्टर आतिफ फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में, आप वहाँ से ये सारी चीजें डाउनलोड करवा सकते हैं और देख सकते हैं। जी हम इसको मैं थोड़ा सा आपको डॉक्टर उस्मान आपके कमेंट्स देख रहे हैं। डी डॉक्टर उस्मान ऐसे ही करना होता है, लिसनिंग पार्ट सी में आपने सेम कंटिन्यूस सुनना होता है
और कंटिन्यूस आपने आंसर्स करने होते हैं। तो इसीलिए इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो 90 सेकंड होते हैं उसमें हम पहले जो वो कन्वर्सेशन होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन पे उसको बुलेट को हम हाईलाइट कर लें, आप उस पर अंडरलाइन कर लें, आप उसको सर्कल कर लें, ताकि वो वाली बात जब की जाए तो आपको पता हो कि ये किस क्वेश्चन की बात हो रही है। बाज़ का तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है और पूरा पार्ट सी चला जाता है। इसमें आपने यही करना था, इसलिए पार्ट सी पे हम ये कह रहे हैं कि आप पार्ट सी पे ट्राई ना करें अपना पास होना, आप पार्ट ए और पार्ट बी पे करें। अब जब मेरा एग्जाम था तो मेरे पार्ट ए और पार्ट बी में ऑलमोस्ट 28 ठीक हो गए थे, लेकिन मुझे फिर भी पार्ट सी पे आई वाज स्ट्रेस्ड कि यार दो ठीक होंगे भी कि नहीं, तक 12 में से दो ठीक करने थे, क्योंकि पार्ट सी में आपको कोई पता नहीं चल रहा होता, बहुत फास्ट बोल रहे होते हैं, आपने सुनना भी है, आपने देखना है कौन सा आंसर है और आपने उस तरीके से करना होता है। आई होप कि दिस क्लियर योर क्वेश्चन। जी इसका जो है इस जो रिव्यू मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। जो लिसनिंग है, लिसनिंग के 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए है उसमें आपके 24 क्वेश्चन हैं, और ये 24 क्वेश्चन जो है ये इसके 2 सेट्स हैं, 12 पहले और फिर 12 बाद में, ठीक है। और जो पहले 12 हैं एक्सट्रैक्ट 1, इसमें आपके ये पार्ट ए के 2 एक्सट्रैक्ट हैं, एक्सट्रैक्ट 1 एंड एक्सट्रैक्ट 2। एक्सट्रैक्ट 1 में आपके 12 क्वेश्चन है, फिर एक्सट्रैक्ट 2 में आपके 12 क्वेश्चन है। और जो पहले 12 क्वेश्चन है उस एक ऑडियो होगी जो आपको सुनाई जाएगी, उससे पहले आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, लेकिन वो ये 30 सेकंड में ये सब कुछ रीड कर रहा होगा, लेकिन उससे पहले वो ये बातें भी रीड करेगा, सॉरी वो बोलेगा, तो तकरीबन आपको 50 सेकंड मिल जाते हैं उनकी ऑडियो शुरू होने से। जो एक्चुअल उनकी डिस्कशन स्टार्ट होनी है पेशेंट और डॉक्टर की, वो ऑडियो जो स्टार्ट होनी है उससे पहले आपको जो एक्चुअल ऑडियो जो आपने जिससे अपने आंसर ढूंढने हैं उससे पहले आपको 50 सेकंड मिल चुके हैं। इन 50 सेकंड में आपने डॉक्टर जिस तरह उस्मान हैदर ने बताया कि आपने देखना कि भाई डिस्कशन क्या हो रही है, पेशेंट की बात हो रही है, मेडिकल हिस्ट्री की बात होगी, मेडिकल हिस्ट्री में कुछ बताया जाएगा, बेबी फादर की कुछ बातें होंगी उसके बारे में, उसकी बेबी फादर की फैमिली हिस्ट्री की, तो आपने पहले देख लेना कि वो मेजर ग्रॉसली किन चीजों पे बात होगी, पॉइंट रेज्ड, तो ये चीजें हैं जो डिस्कस होंगी। जब आपने ये 50 सेकंड आपके पास है, अभी वो ऑडियो शुरू नहीं हुई जिससे आपने वो निकालने, तो पहले आपने ये जो नंबरिंग दी हुई है ना, हर नंबरिंग पे उस आपने उस आंसर करना, यहाँ ये लाइन ही लगी हुई लेकिन यह नंबर दिया गया, यहाँ वो पूछ रहा है कि वर्क एज, तो आपने वर्क एज, वो इंजीनियर काम कर रहा है, तो जब आपने इसको देखना है तो आपने वर्क एज, इसका मतलब है इसमें वो कोई प्रोफेशन की बात करेगा, तो ये आपने सोच ली है कि वो कोई प्रोफेशन की बात करेगा। हैज ऑक्यूपेशनल, मेडिकल हिस्ट्री, तो मेडिकल हिस्ट्री ये है कि उसे कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज है, तो ऑक्यूपेशनल एस्थमा हो सकता है, तो आपने ऑक्यूपेशन, उसे तो मेडिकल हिस्ट्री में कोई ऑक्यूपेशनल कोई डिजीज है, तो ये अभी उसने बताया नहीं, लेकिन आपने एलर्जिक टू, तो आपने अपने माइंड में ये जो 50 सेकंड आपको मिले हुए हैं जिसमें आप ये रीड कर रहे हैं उसमें आपने एलर्जिक टू समथिंग है कि जिससे एलर्जी है उसको, इस तरह आपने सारे वो पॉइंट हाईलाइट कर लिए कि यार नीडेड और ट्रीटमेंट कुछ चीज है जो ट्रीटमेंट के तौर पर उसके ट्रीटमेंट के तौर पे उसको जरूरत है। तो फर्स्ट बेबी प्रेजेंटेड, तो आपने माइंड में सोच लिया कि यार फर्स्ट बेबी जो था उसको कुछ हुआ है, तो मैंने जब ये ऑडियो शुरू होगी तो फर्स्ट बेबी को क्या डिजीज हुई थी वो मैंने देखना है। अब बेबी फादर की बात होना शुरू हो गई है, तो आपने बेबी फादर इसमें जब आप इसको रीड कर रहे होंगे आपने हाईलाइट किया, आपने कहा सोच अपने माइंड में सोच लेना कि फैमिली फादर फैमिली हिस्ट्री की बात होगी तो कुछ फैमिली हिस्ट्री बताएगा, उसको कोई डिजीज होगी फैमिली हिस्ट्री में, तो आपने इस तरह सारे हाईलाइट कर देने और आपका माइंड पहले ही प्री ऑक्यूपाइड हो चुका है कि मैंने इन वर्ड की जो चीजें हैं वो इनकी जब ये डिस्कशन, अब 50 सेकंड हो गए हैं वो ऑडियो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वो एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई है पेशेंट की और डॉक्टर की, अब आपने जो जिन्हें हाईलाइट की हुई है वो उन वो डिस्कशन से वर्क एज वो एज जो भी इंजीनियर है जो ऑक्यूपेशनल उसको कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज है तो ऑक्यूपेशनल एस्थमा इस तरह आपने निकालना शुरू कर दें,
अच्छा जब फादर की बात होगी तो फैमिली हिस्ट्री में आपने पहले आपने माइंड में प्री ऑक्यूपाइड आपको माइंड होगा कि भाई वो फैमिली हिस्ट्री में कुछ बताएगा फादर की फैमिली हिस्ट्री में, तो वो आपने फिर इसको लिख लेना है। स्पेलिंग फोनिक टोन मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग अगर गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, अगर डायबिटीज ब्लाइटिस बोलता है तो आप डीएम लिख लें, बाद में उसे मिटा के डायबिटीज ब्लाइटिस मुकम्मल लिख लें। ठीक है, ये तो है आपका पार्ट ए और इससे दो पार्ट है, 12 क्वेश्चन ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट टू, इसमें भी 13 से 14 क्वेश्चन, तो 12+12 पार्ट ए आपका मुकम्मल हुआ और इसमें आपने मैक्सिमम गेन करना होता है स्कोर। अब है पार्ट बी, जो पार्ट बी है उसमें 6 आपके एमसीक्यू हैं और जो 6 एमसीक्यू हैं उसमें आपको हर एक एमसीक्यू से पहले 15 सेकंड दिए जाते हैं जिसमें आपने रीड करना होता है। आपने रीड करना है यू हियर डायटिशियन टॉकिंग टू अ पेशेंट, एक डायटिशियन पेशेंट से बात कर रहा है, व्हाट शी इज डूइंग, तो आपने व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, तो जो कीवर्ड है उसको आपने अपने माइंड में, व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, तो ये 15 सेकंड में आपने देखना कि आपने बना लिया कि व्हाट, लेकिन आपका थीम यह है व्हाट शी इज डूइंग। फिर आपने ऑडियो सुननी है, ऑडियो सुनते हुए व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, और इसको आपने इन ऑप्शन को भी साथ रीड करना है व्हाट शी इज डूइंग, और जो ऑडियो सुन रहे होंगे उसको लिंक करना है। इस ये मुश्किल इसलिए होता है कि आप एक तरफ क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, एक तरफ ऑडियो सुन रहे होते हैं, एक तरफ आप उस ऑडियो से क्वेश्चन रॉन्ग करेक्ट आंसर निकाल रहे होते हैं, तो बस आपने व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग कुछ, तो ये आपने ये की वर्ड को अपने जहन में रखना है। फिर ये एक्सरे डिपार्टमेंट की जो डिस्कशन है, जो की वर्ड है उनको आपने अपने माइंड में हिट करना है। तो ये 6 एमसीक्यू हैं जो कि पार्ट बी में आपके आएंगे, पार्ट बी। उसके बाद जो ये सबसे जो डिफिकल्ट है वो आपका है पार्ट सी। जो पार्ट सी है इसमें आपके 2 पार्ट हैं, एक्सट्रैक्ट 1 है और एक्सट्रैक्ट 2 होगा, और एक्सट्रैक्ट 2 में भी 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसको भी ये करने से पहले जो एक्सट्रैक्ट 1 है आपको वो 90 सेकंड देगा। अब ये 90 सेकंड में आपने क्या करना होता है, आपने इन ये जो 1.5 मिनट है इसमें आपने जिस तरह के डॉक्टर उस्मान हैदर ने आपको बताया कि आपने की वर्ड फाइंड कर लेना, उनको उसको वो कर लेना है, लिख लें उसको वो कर लेना है कि आप हाईलाइट कर लें असेसमेंट। इसमें उसने असेसमेंट के बारे में बात की, इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात की है, इसमें उसने टेपिंग के बारे में बात की है, तो ये आपने पहले ही कोशिश करें कि 6 में से 4 को लाजम कर लें। अगर 4-6 थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन 4-5 आपने पहले ही कर लेना, 4-6 भी कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है 90 सेकंड है तो पहले आपने क्वेश्चन समझ लेना है कि यार उसने वर्ड आइडेंटिफाई, की वर्ड आइडेंटिफाई कर लेना, उनको हाईलाइट कर लेना, फिर जब और अगर टाइम हो तो फिर ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको की वर्ड का पता हो, आपको पता हो कि जब, और इसके 90 सेकंड के बाद आपकी ऑडियो शुरू हो जाएगी, जब ऑडियो शुरू होगी तो आपने इन की वर्ड की बेस पे मूव करना है। जब वो बात करेगा फोन के बाद असेसमेंट की बात आ गई तो आपने अब इधर आ जाना है, अब आपने और अगर इस अगर आपको आंसर नहीं मिला ऑडियो सुनते हुए 31 का, तो आपने इसको स्किप कर देना, ओके अपने गैस से लगा देना कि भाई इसका ये बन रहा है। और दूसरी बात यह कि ये सर्कल करना है, टिक नहीं लगाना, तो आपने टिक कर दिया लेकिन आपको आप वो नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन आपको असेसमेंट की बात शुरू होगी तो आपने कहना भाई अब इधर नहीं रुकना, अब असेसमेंट पे आऊंगा। अच्छा, इसमें आपने ढूंढ लेना जो भी, जब उसने फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर ली तो जो भी आंसर है लगा के आगे मूव कर देना फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट की। फिर ये इस दौरान ऑडियो सुनते हुए आपने यहाँ क्वेश्चन, फिर वो ऑडियो सुनते हुए टाइपिंग की बात करता है तो आपने आगे मूव कर देना, तो आपके की वर्ड के साथ आपने मूव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने की वर्ड के साथ मूव करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 90 सेकंड आपको मिले उसमें यह है कि आपने कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन है, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह ये आपका एक्सट्रैक्ट 2 है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है और इसमें भी आपको 90 सेकंड मिलने हैं, तो 90 सेकंड में आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लेने हैं और उसके बाद 90 सेकंड के बाद आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी और उस ऑडियो को फिर आपने फॉलो कर लेना कीवर्ड के साथ। तो ये था आपका जो लिसनिंग है, और आज हम यही करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, तो आई होप कि आपको आपने इंजॉय किया होगा, आपको समझ आई होगी।
तो आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन जी. आपने जो भी क्वेश्चन करना है आप पूछ सकते हैं. अभी हो उसमें आई थिंक टेस्ट हो रहे हैं तो आप वो 20-25 टेस्ट है ना वो आप कर लें. देखें ये जो टेस्ट है ये जो ओईबी का एग्जाम है अगर आप 20 दिन भी अच्छी तरह कर लेते हैं और तकरीबन 20 टेस्ट करते हैं रीडिंग 20-20 आप लिसनिंग कर लेते हैं 20 आप वो कर लेते हैं लेटर लिख लेते हैं 20 आप जो है वो प्ले कार्ड कर लेते हैं तो ये आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप एग्जाम पास कर लेते हैं. दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं कि ये 2-3 मंथ में तैयारी करेंगे जिनका माइंड ये बना हुआ है 2-3 मंथ में तैयारी नहीं. आपको अगर आप लंबा टाइम रखेंगे तो आप भूल जाएंगे टिप्स भूल जाएंगे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. जब भी आपने करना है आप 30 डेज में इसको करें प्रैक्टिस करें और मूव करें एग्जाम दे दें. अगर आप इसको लेंथी करेंगे तो चीजें भूलेंगी आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो अच्छी तरह डेवलप नहीं होंगे. ये एग्जाम जो है इंग्लिश वाला एग्जाम नहीं जितना ये टिप्स और कैलकुलेटेड और मैथमेटिकल एग्जाम है. तो ये मेन प्रैक्टिस पे बेस करता है. चैलेंज स्टूडेंट जी चैट दिखा दें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस आप बी कॉन्फिडेंट और थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने का. आप बताएं आपको इसका फायदा हुआ हमें फीडबैक. थैंक यू जी. जो हमारे गेस्ट थे डॉक्टर उस्मान हैदर और डॉक्टर अहमद समीद हम उनके शुक्रगुजार हैं. थैंक यू डॉक्टर उस्मान हैदर एंड डॉक्टर अहमद समीद. जो टुमारो हम इंशाल्लाह राइटिंग और स्पीकिंग पे सेशन कर लेंगे. तो इंशाल्लाह कल हम कल राइटिंग स्पीकिंग पे सेशन होगा.